नंबर वन लेवल पे हमारा जनपद है, तो बच्चे जो है वो जनपद स्तरीय कैंप में इतने ज्यादा बच्चे हैं कि पूरे जिले को एक जगह कलेक्ट करके कैंप कराना मुश्किल है। हमारे इस कैंप में जो है 210 बच्चे हैं, 105 स्काउट्स हैं, 105 गाइड्स हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने की वजह से आई थिंक के अगर 200 के हिसाब से देखिए 13-14 कैंप लगेंगे तो लगभग 2,500-2,500 बच्चे हमारे इस जनपद स्तरीय कैंप में जो है इस समय तृतीय सोपान में चौथा दिन है आज इसका। ये 18 तारीख में प्रारंभ हो गया था और 22 तक रहेगा सर ये, तो ज्यादा बच्चे होने की वजह से, नहीं तो ये जनपद में एक या दो जगह लगना था। तो हमारे जो मेरे स्कूल के बच्चे जीआईसी भोगपुर के, वो शिक्षा राज इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में प्रतिभाग कर रहे हैं, वहां पे भी जो है कैंप लगा। जिला नक्सर ब्लॉक में भी हमारे जो है 3 कैंप लगे हुए हैं सर। शिविर संचालक के रूप में पुष्पेंद्र कुमार चौहान, असिस्टेंट टीचर जीआईसी भोगपुर से, और मेरे साथ शिविर संचालिका है श्रीमती अल्पना मेहता, गाइड करते हैं। बच्चों के लिए स्काउट गाइड के महत्व को आप किस प्रकार से देखते हैं? सर बच्चों के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और जीवन में बच्चों को, आज हमारा डे 4 था तो अभी तो इसमें हमने अभी शिविर, आपने देखा होगा हमारे शिविर लगे हुए थे बच्चों के, तो बच्चे जो है वो जैसे आज का जीवन है बच्चा मिट्टी से बिल्कुल दूर है, तो बच्चा एक तो मिट्टी से भी कनेक्ट होता है, सीखता है कि मुझे अगर कहीं विषम परिस्थितियां हो तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। यहाँ तो हम पूरी तरह से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है बच्चों का तृतीय सोपान है, नहीं तो कैंपिंग का पूरा जीवन होता है इसमें। बच्चा जो है यानी जंगल में मंगल वाली स्थिति होती है, बच्चा सीखता है कि भाई जीवन में कभी मैं विषम परिस्थिति में पड़ गया मेरे पास। सर यहाँ पे लगभग 10 से 12 स्कूल के बच्चे हैं जिनमें स्काउट्स भी हैं और गाइड्स भी हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे मैम यहाँ पे? यहाँ पर हमारे पास 210 बच्चे हैं सर। ये आपका प्रथम सोपान चल रहा है या तृतीय सोपान? सर तृतीय सोपान जी। इसके बाद बच्चों का आगे का क्या रहता है? सर इसमें आगे बच्चे एक तो अनुशासनशील बनते हैं, अपने कार्य स्वयं करना, या कहीं हम अकेले हैं, बाहर है, हमें की विकट परिस्थितियों में कैसे सामना करना चाहिए, जीवन की उस सच्चाई से भी परिचित होते हैं बच्चे। आप कई सालों से बच्चों के साथ जुड़े हुए होंगे इस चीज में, तो आपने जो आपके पुराने स्टूडेंट रहे होंगे इस चीज में, तो आपने क्या देखा कि मतलब उनमें क्या बदलाव आया या कुछ उनको इसका सकारात्मक परिणाम मिला? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि आगे जाके उन बच्चों ने जो हमारे यहाँ से 12th पास आउट हुए राज्य शिविर किया और उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार भी लिया है उन्होंने, और आगे जाके जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो MSS लेके वो वहाँ भी स्वयं सेवी का कार्य करते हैं, और बच्चों के अंदर जो है आत्मस्वाभिमान की भावना बढ़ती है। अच्छा करने वाले बहुत एक्टिव बच्चे हैं सर, और आज जो है बच्चों ने टेंट लगाए हैं, कुकिंग की है, अपने आप ईंटों से चूल्हा बना के लकड़ियां इकट्ठी करके लकड़ियां जला के सबने भोजन बनाया है, चाय पकोड़े पूरी सब्जी सब कुछ सर यहीं पे बना। अच्छा खुद बच्चों ने प्रिपेयर किया? बिल्कुल बिल्कुल सर, छोटे छोटे बच्चे भी पूरे जो है जोश के साथ लगे हुए थे। और बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे? सर यही कि बस वो अपने जीवन में जो है उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो और वो जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने।